ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन पूछा है डाउट ग्रुप में पीटर भाई ने, क्वेश्चन कहता क्या है चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है कि एवरेज ऑफ एट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ध्यान रहे आठ क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो 28 है, तो हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर का सम क्या होगा। देखिए इससे रिलेटेड हम एक थियरी जान लेते हैं, बहुत ही काम का चीज है, वो क्या है देखिए। मान लीजिए कि ए वन, ए टू, ए थ्री, यहां तक ए एन, ए सब किस में हो, एपी में हो, आर इन एपी। एपी का मतलब क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप समांतर माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य समांतर श्रेणी। तो अगर एपी में हो तब एक बहुत ही काम का चीज है, वो क्या है, देन अरिथमेटिक मीन, जिसको आप सिंपल एवरेज भी बोलते हो, ऑफ टर्म्स टेकन सिमेट्रिकली। इसका मीनिंग क्या है हम समझाते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर सेम। इस बात का मतलब क्या है कि अगर टर्म्स जो आपने लिया है वो एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, इसके बाद जब आप टर्म्स को सिमेट्रिकली शुरू और अंत से सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो एवरेज होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब अगर हमने पहला नंबर उठाया शुरू से तो इसके साथ लास्ट उठाएंगे, दो नंबर है एवरेज के लिए, दो से हमने भाग किया। मान लीजिए आपने शुरू का दो नंबर उठाया ए वन ए टू, तो इसके साथ लास्ट का दो उठाना पड़ेगा, एक ए एन माइनस वन, एक ए एन, टोटल चार हो गया, तो चार से भाग करेंगे। अच्छा जरूरी नहीं है कि ए वन सिलेक्ट करना ही है, मान लीजिए आपने ए टू सिलेक्ट किया तो इसके साथ क्या आएगा, ए एन माइनस वन, शुरू का दो सेकेंड है तो लास्ट से भी सेकेंड हो जाएगा, फिर टू से डिवाइड किया। एक और बात दिमाग में आती है कि पता कैसे चलेगा कि जो आपने सिलेक्ट किया है वो सिमेट्रिक है, तो देखिए जो सबस्क्रिप्ट है ना इसको आप जब जोड़ेंगे तो एन प्लस वन आएगा, टोटल नंबर से एक ज्यादा होना चाहिए, वन और एन को जोड़ेंगे एन प्लस वन आएगा, टू एन एन माइनस वन को जोड़ेंगे फिर से एन प्लस वन आ रहा है, तो जब टोटल नंबर से एक ज्यादा आएगा तो समझ लेना है कि सिमेट्रिकली सिलेक्ट किया है हमने। और ए जो है किसके बराबर हो जाएगा, अगर आपने बोला कि ना भैया हम तो सबको ही जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए, एन नंबर को जोड़ा है तो एन से हम डिवाइड कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि इसका इस क्वेश्चन में क्या काम है, काम तो है, क्योंकि जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर होता है भाई वो कैसे होगा, एक नंबर ए है तो दूसरा ए प्लस टू होगा, फिर ए प्लस फोर होगा, ऐसे करके जाएगा। क्या एपी में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और क्या बात है इसमें, जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या है आपका, टू का है। तो बोला है टोटल का एवरेज अगर 28 है, टोटल कितना है, एट कॉन्सिक्यूटिव है ना, तो ए वन प्लस ए टू ऐसे करके ए एट, आठ हो गया। अगर 28 है तो एवरेज 28 है ना, तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, आठ से डिवाइड किया। ए जो है किसके बराबर होगा, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो पहला एंड अंतिम को आप जोड़ लीजिए, दो है तो दो से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमने बताया है कि अगर क्या है समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एवरेज शुरू और अंत से सिमेट्रिकली जब आप लेंगे तो सेम ही होगा। इसका वैल्यू जो दिया है दोस्त, कितना दिया है, 28। 28 का वैल्यू हो गया है ए वन प्लस ए टू बाई टू, ए टू नहीं, ए वन प्लस ए एट लिखेंगे यहाँ पे हम, ए एट बाई टू, तो ए वन प्लस ए एट कितना हो जाएगा, 28 गुना 56। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 56 56, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, आप ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि ए एवरेज क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट पीवाईक्यू का सलूशन मिलेगा आपको डिटेल में, और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।